सब हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं और मेहनत किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भी कामयाब हो जाए। हम जब बिहार में पहले जाते थे, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं, अपनी कर रहा हूं, जब मैं पहले बिहार में जाता था तो 5 बजे के बाद मेरी माँ कहती थी कि शायद इरशाद गया हुआ है और बड़ी मन घबरा रहा है वो, क्योंकि वो बिहार सिवान गया हुआ है। तो पिताजी हमारे फादर कहते थे कि चलो अगर गड़िया कोई उसकी ले लेगा तो इरशाद तो जरूर आ जाएगा, अगर उसकी मोटरसाइकिल या कोई ले लेगा इरशाद तो आ जाएगा। मतलब इतना मन में घबराहट होती थी। और राजद के सरकार में ये सब चलता रहा बिहार में, उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में बात रहती थी जो है हमेशा जो है, और लोग घबराते थे बिहार में जाने के लिए, ना रोड था ना जाने का जगह, जहां खाल ऊंच खाल, मैरवा से सिवान जाने में तबियत हैरान हो जाती थी, बारात जाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। ये था बिहार की पोजिशन। अगर यहाँ कोई मौजूद मेरा मुसलमान भाई हो तो ध्यान से मेरी बात सुने, मैं इरशाद खान एक मुसलमान का बच्चा हूं और नीतीश जी ने जो काम किया है बिहार के अंदर वो एक मुसलमान धर्म का ग्रंथ कुरान भी कहता है। कुरान में हमारे नबी ने फरमाया है कि शराब को तोड़ो, शराब को छोड़ो, भट्टियों को तोड़ो, इसको नष्ट नाबूद करो। अगर कोई मेरा मुसलमान भाई है तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कुरान के अंदर हमारे नबी ने फरमाया है, हमारा रब्बुल आलमीन कहता है इस बात को कि शराब को देखो उसको तोड़ो, उसकी जड़ों को उजाड़ लो। तो नीतीश जी ने जो काम किया बिहार के अंदर वो हमारे मजहब इस्लाम से भी कहरी करता है। नीतीश जी ने जो काम किया हमारे बिहार के अंदर वो हमारे शरीयत पर भी काम करता है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं जानता हूं अपने मजहब के बारे में कि मेरा मजहब क्या कहता है। मेरा मजहब कहता है शराब को तोड़ो, बुराई को छोड़ो, क्योंकि बुराई फैलाने की जात शराब से है। शैतान अगर जागरूक होता है तो वो शराब से होता है। और हमारे नीतीश जी ने क्या किया, आपका बहुत बड़ा होता है बरगद का पेड़ और उसकी शाखाएं बहुत होती है, जब जब बरसात होता है उस बरगद से उसका ऊपर से गिरता है नीचे जमीन में आता है एक और बरगद। आप अगर उसको हटा ना जाए तो पता चलता है कि 20 बरस में एक बरगद से 10 बरगद तैयार हो गए। तो बिहार के शराब माफिया इतने मजबूत थे कि इतने उनकी जड़ें मजबूत थी, इतनी उनकी जड़ें मजबूत थी कि उनको उखाड़ना जो है किसी के बस के बाहर की बात थी, उनको उखाड़ देना ये बहुत भारी बात थी। नीतीश जी ने क्या किया कि बिहार से शराब के पेड़ को नहीं उखाड़ा, क्योंकि जानते थे कि मैं अगर पेड़ को उखाड़ता हूं तो ये सारा जो है बरगद का पेड़ है इसके शोर अब फिर जम जाए। बरगद का पेड़ है ना, पानी पाएगा शोर फिर जम जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए जेसीबी लगाओ और जड़ से ही उखाड़ दो, जेसीबी लगाओ और जड़ से ही उखाड़ दो। उन्होंने पूरे बिहार को शराब मुक्त कर दिया, जेसीबी लगाया और जितनी जड़ें थी छोटा बड़ा सब करके एकदम जड़ से उखाड़ दिया। राजद की हालत खराब, राजद की हालत खराब, क्योंकि शराब से राजद को बहुत पैसे गए, राजद की हालत खराब हो गई। और नीतीश जी जो है ये काम करके बिहार में लोगों को बहुत अच्छा बहुत सहूलियत दिए। आज वहां का एक गरीब अपने घर से शाम को छोला लेके जाता है, मार्केट जाता है और लोग देखते हैं तो कहता है बाजार करने जा रहा है बेचारा, क्योंकि पहले वो पैसा कमा करके शराब के भट्टी पर जाता था, आज वो बाजार करने जाता है क्योंकि जानता है शराब तो मिलना नहीं है, नीतीश जी ने घोड़ा दिया। तो आज हर घरों में शांति है, सुकून है, अमन है, चैन है। और हम लोगों को अगर यूपी में अमन चैन शांति और माँ बहनों को इज्जत की नजर से लोग देखे, दुनिया वाले देखे, इस बात पर हम कायम रहे और काम करें तो हमको सबसे पहले शराब बंद करा देना चाहिए। मदिरा ही एक ऐसी जड़ है जिसको जब हम खत्म करेंगे तो जाकर के हमारी समस्या आगे हल हो जाएगी। तो मेरे भाइयों इतनी चल रही है इस वक्त और उसको जोर दिया जा रहा है कि बढ़ा के बिछवाओ,